हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बैंकिंग सेक्टर के लिए हम कौन सा बैंक खरीद सकते हैं और कौन सा बैंक सही रहेगा दोस्तों, और कौन सा बैंक सही नहीं रहेगा। ठीक है, तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन करना चाहते हैं कि मैंने कब कोई एक्सिस बैंक ख़रीदा, कोई SBI बैंक ख़रीदा, कोई इंदुसेंद बैंक ख़रीदा, कोई कोटक बैंक ख़रीदा, तो कौन सा बेटर रहेगा। दोस्तों एक बैड न्यूज़ है बैंकिंग सेक्टर के बारे में। हालांकि आप देख सकते हो कि मार्केट कैसे गिर रहा है, और दोस्तों बैंक निफ्टी भी आप देख सकते हो 1000-2000 पॉइंट तो ये गिर ही जा रहा है। ठीक है, तो अगर आपने बैंकिंग सेक्टर में ख़रीदारी की है तो ये दोस्तों ये चारों बैंक के लिए आपके पास बैड न्यूज़ है। यहाँ पर जो चारों दिख रहे हैं दोस्तों, ये चारों के टारगेट में कटौती की गई है। दोस्तों ये मेरा नहीं, मॉर्गन स्टैनली का न्यूज़ है दोस्तों कि ये चारों जितने भी बैंक है इसका सारे टारगेट जो है क्या किए जाएंगे दोस्तों, डिक्रीज कर दिए जाएंगे। अगर एक्सिस बैंक का जो पहले टारगेट था, मान लेते हैं दोस्तों एक्सिस बैंक ये आपके सामने है, अगर इसका पहले टारगेट था मान लीजिए कि 700 के आसपास रहता था, ठीक है, 700 के आसपास रहता था, इसका टारगेट था दोस्तों 800 के आसपास, ठीक है, चाहे जो भी है, लेकिन आज के डेट में दोस्तों इसका जो टारगेट बताया जा रहा है दोस्तों, आपको केवल जो है 690 के आसपास बताया जा रहा है दोस्तों, 690 रुपीज़, ठीक है, 690 रुपीज़। पहले टारगेट कितना था दोस्तों, प्रीवियस टारगेट 800 था, ठीक है, अभी 690, मतलब कि दोस्तों इसका टारगेट जो है डिक्रीज़ कर दिया गया है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिन्होंने इसको हायर प्राइस पे ख़रीदा होगा, तो अगर वो सोच रहे हैं कि मार्केट जैसे ही रिकवरी लेना स्टार्ट होगा तो उनको एक बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला दोस्तों, क्योंकि आप देख सकते हो मार्केट जब गिरावट होने से पहले इसका रेंज क्या था दोस्तों, 760 रुपीज़ के आसपास ये ट्रेड करता था, और दोस्तों मार्केट की वजह से ये गिरावट आया है, इसमें इतनी दूरी का गिरावट आया है तो 400 रुपीज़ तक ये आ चुका है दोस्तों। लेकिन अब जो मॉर्गन स्टैनली है जो इसका टारगेट रखा है दोस्तों अराउंड 700 के आसपास, ठीक है, 700 के आसपास इसका टारगेट रखा गया, मतलब कि अगर बाउंस बैक भी करता है तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, हालांकि आपका लॉस रिकवर हो जाए वही बहुत है दोस्तों। ठीक है, अगर हम बैंक को देखते हैं कहां से गिरावट आई है, तो दोस्तों बैंक बहुत ज़्यादा ऊपरी स्तर से गिर चुका है दोस्तों, 840 के प्राइस से ये गिरते हुए आ रहा है दोस्तों, और ये देखिए अपना सारा बॉटम तोड़ दिया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ठीक है, ये फोर्थ बॉटम के आसपास चल रहा है, और ये जब फोर्थ बॉटम तोड़ेगा दोस्तों तो हो सकता है कि इन ये जो बैंक है एक्सिस बैंक आपको 400 के लेवल पे भी दिखाई दे। तो प्लीज़ ये मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने ऐसे किसी भी बैंक में ख़रीदारी किया है तो आपके लिए रिस्क है, ठीक है। और दूसरा जो बात कर लेते हैं दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, ये चारों बैंकों के बारे में, और ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कौन सा बैंक ख़रीदना बेटर होगा जो दोस्तों जब मार्केट या बैंक निफ्टी जब रिकवरी लेना स्टार्ट होगा तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, बहुत बहुत अच्छा दोस्तों, मतलब कि सीधा आपको जो है अप ट्रेंड में वो स्टॉक दिखेगा। कौन सा स्टॉक है दोस्तों जो अप ट्रेंड में आपको जाते हुए दिखेगा, वो स्टॉक के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन, ठीक है, और उसके बाद दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में हम आपको बता देते हैं। तो ये है दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसने जो हाईएस्ट मारा था दोस्तों 380 के आसपास मारा था, ठीक है, 380 के आसपास गया था, उसके बाद इसने जो लोअर लेवल बनाया है दोस्तों वो 180 तक चला गया था, यहाँ तक दोस्तों 180 तक चला गया था। अब इसका जो टारगेट रखा गया है दोस्तों अकॉर्डिंग टू मॉर्गन स्टैनली, ठीक है, आप जाके इंटरनेट में चेक कर सकते हो, ठीक है ना, आपके पास गूगल ऐप, वहाँ से जो मैं बोल रहा हूँ मॉर्गन स्टैनली का जो रिपोर्ट है वहाँ से जाके चेक कर लीजिएगा। इसका जो टारगेट रखा गया है दोस्तों 320 रुपीज़, अगर मार्केट बहुत अच्छा बाउंस बैक करता तो 320 रुपीज़ के आसपास जा सकता। और एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये जितने भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये ब्रोकरेज का रिपोर्ट है, मतलब कि अगर अच्छा से अच्छा बाउंस बैक मारा स्टॉक तो अच्छा से अच्छा ये बाउंस बैक जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि अब ये 200 के रुपीज़ के आसपास है तो ये 300 के आसपास ये जाएगा जाएगा, ऐसा नहीं। एक टारगेट होता है, एस्टिमेटेड टारगेट अकॉर्डिंग टू कंपनी अर्निंग, ठीक है, कंपनी जैसे अर्न करती है, क्वार्टर रिजल्ट इंप्रूव करता है, ग्रोथ होता है उस हिसाब से, ठीक है, जरूरी नहीं है कि यहाँ तक, लेकिन एक टारगेट होता है, होता है कि नहीं, आप कभी भी इंट्राडे फ्यूचर ऑप्शन करते हो तो बोलते हो ना कि ये मेरा टारगेट है और ये मेरा स्टॉप लॉस है, स्टॉक का प्राइस अभी यहाँ चल रहा है तो अगर ऊपर गया तो प्रॉफिट, नहीं तो नीचे गया तो लॉस, या तो स्टॉप लॉस हिट कर देगा या तो फिर फाइनली जाके क्या कर देगा, टारगेट हिट कर देगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर ऐसे बताया जा रहा है दोस्तों। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस प्राइस से ये स्टॉक गिरा था दोस्तों, ये जितने भी ये चारों स्टॉक जिस प्राइस से गिरा था वही प्राइस इनका जो है टारगेट रखा गया है। तो ऐसे बैंकों में आप हो और ये सोच रहे हो कि आने वाले टाइम में जब मार्केट रिकवर होगा तो आपको अच्छा से अच्छा प्रॉफिट होगा,
तो मेरे तरफ से नहीं हो सकता है दोस्तों, जिस हिसाब से स्टैटिक्स डेटा के हिसाब से मैं आपको जो बता रहा हूँ। लेकिन ये एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, कौन सा बैंक आपको ख़रीदना चाहिए जिसमें आपको अच्छा से अच्छा प्रॉफिट होगा दोस्तों, ठीक है। तो वो है ICICI बैंक, ठीक है। ICICI बैंक है दोस्तों सबसे पहला, और उसके बाद है दोस्तों HDFC बैंक। तो अगर आप बैंकिंग सेक्टर में ही इंटरेस्टेड हो और बैंकिंग सेक्टर में ही अच्छा से अच्छा प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हो, अभी नहीं जब मार्केट रिकवरी लेना स्टार्ट होगा, तो जब कोरोना का डर ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसे जो अप ट्रेंड में जाने वाला स्टॉक, तो दोस्तों ये दोनों है। पहला है दोस्तों ICICI बैंक, पहला है दोस्तों ICICI बैंक, ठीक है, सॉरी ये है ICICI बैंक दोस्तों। उसके बाद है HDFC बैंक। ये दोनों बैंक आपको, अगर आपने ख़रीदा है, तो मैं ये बोलूँगा इसको आप होल्ड कर सकते हो, ठीक है। इसके ऊपर मॉर्गन स्टैनली का पॉजिटिव रिप्लाई है दोस्तों, और बताया गया है कि इसका जो टारगेट था वही है। और ये दोनों स्टॉक अगर आपने ख़रीदा है, तो मैं बोलूँगा आप होल्ड कर सकते हो। अगर मार्केट रिकवर हुआ तो आपको प्रॉफिट भी हो जाएगा। अगर आप ख़रीदना चाहते हो तो दोस्तों अभी मत खरीदो, मार्केट और करेक्ट हो जाएगा तो वहाँ से आप खरीदारी कर सकते हो, ठीक है। तो अगर बैंकिंग सेक्टर में आप इंटरेस्टेड हो, तो ये जो रिपोर्ट था मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके इंक्रीज कीजिएगा, और मिलते हैं दोस्तों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको बताने वाला हूँ कि दोस्तों बहुत सारे ऐसे प्रमोटर्स हैं जो अपनी खुद की कंपनी का शेयर्स, ठीक है, इतना ज़्यादा क्वांटिटी में खरीद के रख रहे हैं कि वो, उनको पता है कि जो एक्सिस बैंक का प्राइस था दोस्तों वो 700 800, मान लीजिए 700 800 के आसपास था, आज वो 50% डिस्काउंट में मिल रहा है, ठीक है, 50% डिस्काउंट में मिल रहा है, तो कौन नहीं खरीदना चाहेगा। जो दोस्तों ये हिंदुस्तान बैंक है, ये मान लीजिए कि ये कितना हुआ करता था दोस्तों, 1000 के आसपास से ज़्यादा है था, ठीक है, और ये 600, मान लीजिए ये भी 50% डिस्काउंट में मिल रहा है, तो कौन नहीं खरीदना चाहेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ हिंदुस्तान बैंक और एक्सिस बैंक को, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, कि जो स्टॉक 50% हो गए हैं तो प्रमोटर्स तो खरीदना चाहेंगे। तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक है दोस्तों जो बहुत ज़्यादा गिर चुका है, और उस पर ब्रोकर जो है दोस्तों और प्रमोटर बहुत जम के खरीदारी कर रहे हैं गिरते हुए मार्केट में, क्योंकि उनको पता है कि हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, जिस कंपनी को हम चला रहे हैं, वो आने वाले दिनों में अच्छा से अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। तो उसका मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन वीडियो जल्दी आपके पास आ जाएगा।